सचिन पायलट अपनी साफ गोई के लिए पहचाने जाते हैं। अब एक बार फिर सचिन पायलट ने एक बयान दिया है और इस बयान ने बाड़मेर जैसलमेर की सियासत में खलबली मचा दी है, क्योंकि इस बयान में ना सिर्फ अशोक गहलोत पर निशाना साधा गया है बल्कि गठबंधन की कमजोरी को भी उजागर किया गया है। सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए बड़ा बयान दिया और कहा कि उम्मीदाराम हमारा यानी कांग्रेस का प्रत्याशी ही नहीं था, ये फैसला गलत था। अगर हम आरएलपी के साथ गठबंधन कर ही रहे हैं और हमें उम्मीदाराम को ही चुनाव लड़वाना था तो फिर हमें गठबंधन में ये सीट दे देनी चाहिए थी। हमने गठबंधन भी किया, फिर आरएलपी का प्रत्याशी भी तोड़ा और फिर उसको कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़वा दिया, ये गलत किया है। हम चुनाव जीत सकते थे अगर आरएलपी को समर्थन करते तो। अब सचिन के बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। क्या बाड़मेर में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने समर्थन नहीं किया? क्या कांग्रेस का फैसला बाड़मेर में गलत साबित हुआ? क्या सचिन पायलट के पास बाड़मेर को लेकर कोई सर्वे आया है? क्या उम्मीदवाराम को तय करते वक्त सचिन से राय नहीं ली गई? क्या सचिन को पता चल गया है कि रविंद्र चुनाव जीत रहे हैं? आपको याद होगा इससे पहले भी सचिन पायलट ने रविंद्र सिंह भाटी की तारीफ की थी और रविंद्र भाटी को मेहनती और जुझारू नेता बताया था और कहा था कि रविंद्र भाटी ने बाड़मेर में काफी मेहनत भी की है। और अब सचिन पायलट कह रहे हैं कि उम्मीदवाराम कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है, तो फिर सवाल खड़ा होता है कि सचिन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा नेता बेवजह कोई बयान नहीं देता। हो सकता है सचिन पायलट रविंद्र भाटी को कांग्रेस में शामिल कराने की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर गठबंधन की सरकार बनने की स्थिति आती है तो फिर रविंद्र भाटी का समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी गई हो।